एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता में है, जिसे दुनिया सोनागाछी के नाम से जानती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसी हुई है। कोलकाता की कई चीजें फेमस है, जैसे कोलकाता का रसगुल्ला और मछली, यह चीज कोलकाता में बहुत ही फेमस है। लेकिन इसके अलावा एक जगह भी है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम लोग धीरे से लेते हैं। इस जगह का नाम है सोनागाछी। लोग इस जगह का नाम जोर से इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यह एक रेड लाइट एरिया है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 11,000 वेश्याएं कई सौ बहुमंजिला इमारतों में देह त्याग की धंधा करती है। यह इलाका उत्तरी कोयल के शोभा बाजार के समीप स्थित है। हैरानी की बात तो यह है कि इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। कोलकाता शहर को सोने का पेड़ कहा जाता है। बता दें कि सोनागाछी का मतलब होता है सोने का पेड़, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसका नाम सोनागाछी कैसे पड़ा। हालांकि सोने का कोई पेड़ नहीं होता है, सोना एक निर्जीव धातु है, फिर इसका नाम सोनागाछी कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। कोलकाता के रेड लाइट एरिया एशिया का नाम एक मुस्लिम वली संत के नाम पर पड़ा है। एक इतिहासकार हिस्ट्री ऑफ कोलकाता स्ट्रीस है। इस किताब के मुताबिक सोनागाछी में एक डकैत अपनी माँ के साथ रहता था। उस डकैत का नाम सलाउल्लाह था। एक दिन की बात है, डकैत की अचानक मौत हो जाती है। फिर एक दिन डकैत की माँ रो रही थी। उस दिन डकैत की माँ को एक आवाज सुनाई दी। आवाज डकैत के झोपड़ी से आ रही थी, जिस झोपड़ी में वह डकैत रहता था, कि माँ तुम मत रो, मैं एक गाजी बन गया हूँ, मतलब एक धर्म योद्धा बन गया हूँ। फिर डकैत के माँ ने अपने बेटे की याद में यहाँ एक सुंदर मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद का नाम पड़ा सोना मस्जिद। कुछ दिन बाद सनाउल्लाह की माँ की मौत हो गई। इसके बाद इस मस्जिद को देखभाल करने के लिए कोई मस्जिद पूरी तरह से टूट चुका था। फिर इस मस्जिद की वजह से इसका नाम मस्जिद बाड़ी पड़ा। फिर इसका नाम बदल कर उल्लाह गाजी हुआ। फिर उल्लाह गाजी से बदल कर इसका नाम साना गाजी हुआ। फिर बदलते बदलते इसका नाम सोनागाछी हो गया। बता दें कि सोनागाछी का कोई प्रारंभिक इतिहास नहीं मिलता है, यह एक कहानी भी हो सकता है। बताते चले कि इस एरिया के बारे में सही जानकारी नहीं है कि कैसे इसका नाम सोनागाछी पड़ा और कैसे ये सोनागाछी एक रेड लाइट एरिया में बदल गया। कभी सोनागाछी के देह व्यापार को नामी बंगाल परिवार चलाते थे। आज इस जर्जर कोठों को किनारे किराए पर दिया जाता है। यहाँ सनाउल्लाह की दरगाह आज भी मौजूद है। ये कई बार टूटी और कई बार इसकी मरम्मत की गई। दुर्भाग्यवश इस दरगाह पर सनाउल्लाह की मौत की कोई तारीख नहीं लिखी हुई है।